जय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपके लिए सबसे पहले ये गाना तो दोस्तों खुशखबरी यही है कि आपका एडमिट कार्ड भी अब रिलीज कर दिया गया है। अगर किसी को अभी भी शंका हो कि एग्ज़ाम 8 तारीख को नहीं होगा तो अभी भी वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को होगा। ऑनलाइन भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, आप कॉलेज से लीजिएगा। आप कॉलेज पे जब लेंगे तो कॉलेज का वहाँ पे सिग्नेचर होता है, तो आप कॉलेज से एडमिट कार्ड लीजिएगा। इन केस अगर कॉलेज खो गया, अगर आपके पास समय नहीं बचा, तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस आधार पे भी परवे आपको एग्ज़ाम के लिए अलाउ करते हैं, लेकिन आप पहली कोशिश यही करिए कि आप अपने कॉलेज से लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड। तो अवध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, आइए देखते हैं। आ जाना है आपको वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आने के बाद आपका अपना सबसे पसंदीदा क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका ये पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। तो इंतज़ार कर लेते हैं, और इंतज़ार करेंगे आप नीचे देखेंगे आप, अभी आपका वो ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ से आप बीएड या एमएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड बीए बीएससी, डाउनलोड एडमिट कार्ड एमए एमएससी, आ गया, डाउनलोड एडमिट कार्ड एमएड बीएड, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं, आपका ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है जहाँ पे आपको क्या डालना है, आपको भरना है आपका कैंडिडेट फॉर्म नंबर। तो जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उसका फॉर्म नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। आपके पास जो पीडीएफ है ना, ऊपर दिखेगा एग्ज़ाम फॉर्म नंबर होगा, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करिए। डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे सामने खुल के आ जाता है। ऊपर आपका नाम दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको दिया रहेगा दोस्तों आपका कहाँ पे सेंटर गया है वो उसकी डिटेल्स, और यहाँ पे आपकी दी रहेगी फ़ोटो, सिग्नेचर, और आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सारी चीज़ें दी। तो आपके परीक्षा संबंधित सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। एक विशेष सूचना यहाँ पे ये लिखा गया है कि जिन बच्चों को पानी पीना है ना, वो मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल में खुद के पानी लेके आएंगे, ये विश्वविद्यालय ने प्रवेश पत्र पे लिखा है। तो पहली कोशिश में फिर से रिक्वेस्ट कर दूँ, पहली कोशिश आप ये करिएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड है दोस्तों वो आप स्वयं अपने अपने कॉलेज से लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसी कॉलेज उसी प्रवेश पत्र के आधार पर आप पेपर देने जाइएगा। इन केस किसी कारणवश खो जाता है तो आप इसको लेके जा सकते हैं। कॉलेज पास में हो तो आप स्टैंप लगा लीजिएगा, हालांकि बहुत स्टैंप की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अलाउ कर देते हैं, लेकिन लगा लेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। इस आधार पर कोई ऐसा नहीं कि आपको परीक्षा देने से मना करते, ठीक। तो ये हो गए दोस्तों खबर आपके एडमिट कार्ड के बारे में। आप एक बार फटाफट देख लीजिए एडमिट कार्ड कि आपका सब्जेक्ट सही है, सारी चीज़ें सही है कि नहीं सही हैं। हालांकि अगर कुछ नाम में करेक्शन हो तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बार फिर भी आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है एडमिट कार्ड। और दोस्तों आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अभी तक तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। फटाफट से ज़रा कमेंट बता दीजिए कितनी बार रिवीजन हो गया। एक समस्या आती है कि बच्चों को कहते हैं कि सर मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, पीछे से भूलता जा रहा है। ये जेन्युइन सा प्रॉब्लम है। बीएड में कोई एग्जैक्ट याद नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना समझिए कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं, क्या वो सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। उस आधार पर कुछ पूछेगा तो आप उससे संबंधित लिख देंगे। अगर लिख देंगे तो चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, पेपर बस लिख के आइएगा, क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, जो सबसे पहले आ रहा है उसको अटैम्प्ट करिए। हालांकि एक वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको पेपर देना है, तो उसमें डिटेल्स बताई जाएगी, लेकिन इतना समझिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ रहा है। साफ से लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए, अच्छे से पेपर करके आइए, टेंशन मत लीजिए, फेल होने के तो डर मत रखिए दिमाग में, अच्छे से बस लिख के आइए, पढ़ के समझ के जाइए, लिख के आइए, क्वेश्चन मत छोड़िएगा, पेपर अच्छा होगा, रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। तो अगर धक धक हो रही है तो कंट्रोल, इट्स ओके, पेपर है, कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, रिजल्ट आएगा तो आप उस दिन बहुत खुश रहेंगे। उस दिन शायद आप मुझे याद करेंगे कि चलो मेरा चैनल आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा है। तो अभी तक जितनी भी तैयारी थी है, ठीक है, कुछ आप जो बस एक बार सब क्वेश्चंस को देखते जाइए, सब क्वेश्चन को देखते जाइए, ठीक है। मैराथन वीडियोज़ भी मैंने डाले हैं, उसको आप देखते रहिए, बस समझते रहिए, इतना दिमाग में रखिए कि हाँ हम कुछ लिख के आ जाएंगे, इससे संबंधित हम लिख के आ जाएंगे, जो दो चार इंपॉर्टेंट परिभाषाएं उसको याद कर लीजिएगा। बाकी सुकून से पेपर देने जाइए, मस्त सो के जाइए, पानी वानी लेके जाइए, यारी दोस्तों से वहाँ पे मस्त बात करते हुए जाइए, ठीक है। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट मैं कर दूंगा कि वो को चीज़ जो आपसे पढ़ाई से संबंधित नहीं है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप की स्टेटस स्टोरी, मूवीज़, मैच, क्रिकेट मैच, पबजी, ये सब इसको अवॉइड कर देते हैं। थोड़े दिनों तो और बचे हैं, और अच्छे से पेपर दे के आते हैं, फिर उसके बाद करेंगे मस्ती। और मेला लगा हुआ है नाका पे,
दुबई को कॉपी किया गया है, वहाँ पे बुर्ज खलीफा बनाया गया, तमाम तरीके के झूले वूले लगाए गए हैं। तो एग्ज़ाम के बाद किसी दिन प्लानिंग करके वहीं चले चलेंगे, मस्ती हो जाएगी, घूम फिर लेंगे, खा पी लेंगे, पार्टी शार्टी हो जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मस्ती करिए, खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, इंजॉय करिए, आराम से समझ के जाइए और पढ़ाई करिए, और थोड़ा सा जो घर के कामों में इन्वॉल्वमेंट हो, समय बचाइए, थोड़ा सा किताबों पर समय दीजिए और आप पेपर देखे आइए। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, हर एक बच्चे को, हर एक बच्ची को, अच्छा पेपर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, सीरियस होना है, पढ़ाई करना है, ओके। डर लग रहा है? डरना नहीं है, डरना नहीं है, आप जाओ, अच्छे से पेपर होगा, टेंशन नहीं। सो इस वीडियो में बस इतना बताना था कि एडमिट कार्ड आ चुका है, इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेंगे, आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी कोई समस्या आ रही है तो पूछिए, बताइए। और हाँ, एक चीज़ और करिएगा, आप हमें ज़रा बता दीजिए कि आपका सेंटर कहाँ गया है, अगर मुझे समय मिला तो मैं साकेत में आ सकता हूँ, तो लेट्स सी, अगर कमेंट में सही रिप्लाई आया साकेत में आने के बारे में बच्चों ने कहा। अच्छा, अगर मैं साकेत में आता हूँ तो कितने लोग, ऐसा नहीं कि मैं साकेत में आ जाऊँ और खड़ा रहूँ, कोई पहचान ही ना, तो पता चले कि, क्योंकि मेरा पेपर तो है नहीं ना, मुझे कोई जानने वाला है अयोध्या में, तो अगर आप ही लोग नहीं जानेंगे तो फिर मैं बस खड़ा रहूँगा और फिर चला आऊँगा। तो अगर देखते हैं कितने बच्चे वहाँ साकेत में हैं, मिल सकते हैं, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि साकेत के बाहर, गेट के बाहर खड़ा रहूँ आपके लिए, ऐसे पंखा लेके, पानी वानी लेके आपके लिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, एग्ज़ाम के लिए टेंशन नहीं लीजिए, कमेंट में बताइए कि आपका सेंटर कहाँ गया है, साकेत में अगर गया तो मिल सकते हैं क्या, और दूसरी बात कि अच्छे से पेपर देके आइए, ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैराथन वीडियोस अपलोड की जाएगी, आप उसको देखते चलिए और आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, सही, जय हिंद जय भारत।